Hello friends, I am here again with important days series of June, part 2nd. Now next are contents. Here are the important days from 8th June to 15th June. On 8th June it is World Oceans Day, World Brain Tumor Day. On 12th June it is Anti-Child Labor Day. 13th June it is International Albinism Awareness Day and World Blood Donor Day. And 14th June it is Global Wind Day and 15th June it is World Elder Abuse Awareness Day. Now let's talk about World Oceans Day. It is celebrated on 8th June every year. Why it is celebrated? Hum Oceans Day ko celebrate kyun karte hain? Pupils ko encourage karne ke liye, people ko batane ke liye ki hamare oceans ka hamare everyday life mein kya importance hai. वो हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट हैं कि हम उनसे क्या क्या लेते हैं, वो हमें क्या देते हैं. दे आर द लंग्स ऑफ अवर अर्थ, दे गिव अस मेडिसिंस एंड फ्लोरा एंड फुआना एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैनी थिंग्स दे प्रोवाइड अस एंड मेनली दे प्रोवाइड द मेजर कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन विद विच वी ब्रीथ. ओके, इससे हम क्या करेंगे, हम अपने पीपल्स को एनकरेज करेंगे कि हाँ वो ओशंस को पॉल्यूट ना करें, वो ओशंस को पॉल्यूट ना करें जिससे कि हमें अपने मेडिसिंस फ्लोरा फुआना सब कुछ मिलता रहे ओशंस से. ओके, सेकंड इज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे. इट इज आल्सो ऑब्जर्व ऑन 8 जून एवरी ईयर. व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड? To raise the public attention to the people that are suffering from World Brain Tumor Day. It is a very serious disease and it is urgent need for more research on it. Now let's talk about what is tumor, what is brain tumor. As it itself says, it occurs in brain, and tumor means cells which continue their division. It can be of two type, malignant and non-malignant. ये एक part से दूसरे part में भी जा सकता है body के, और ये वहीं के वहीं पर भी रह सकता है. ये cancerous भी हो सकता है और non-cancerous भी हो सकता है. Okay, next, anti-child labor day. Anti-child labor day celebrated by International Labor Organization to focus attention on the worldwide extinction of child labor. जो 14 years से छोटे बच्चे हैं, जिनको छोटे छोटे कामों में हम एंगेज करके रखते हैं कहीं पे. फॉर एग्जाम्पल, चाय की दुकान पे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या हैं? चाइल्ड लेबर है. इस चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये डे बनाया है, एंटी चाइल्ड लेबर डे. नाउ नेक्स्ट इज लेट्स टॉक अबाउट International Albinism Awareness Day. Now, what is albinism? Albinism होता क्या है? हमारे यहाँ इसे फुलवारी भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फुलवारी. ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है कि हमारी स्किन में एक पिगमेंट होता है मेलानिन, जिसकी कमी हो जाती है. उसकी कमी की वजह से जो हमारा स्किन टोन है वो बहुत वाइट हो जाता है, और वो बिल्कुल प्रोन हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाता है. किस चीज़ से? जो ये अल्ट्रावायलेट लाइट आती है, और इससे हमारी स्किन को स्किन कैंसर होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है. ठीक है, अब ये होता किस किस वजह से है? ये मेनली जेनेटिकली इनहेरिटेड होता है. जेनेटिकली किसी भी पेरेंट्स के दोनों पेरेंट्स के पास, उसके मम्मी के पास, उसके पापा के पास, दोनों के पास जीन्स होने चाहिए, एल्बिनिज्म के जीन्स होने चाहिए, तभी वो अपने बेबी के पास इसको इनहेरिट कर सकते हैं. वेदर उसके पेरेंट्स एल्बिनिज्म है या नहीं है, अगर उनके पास जीन्स हैं तो उनका बेबी एल्बिनिज्म हो सकता है, एल्बिनिज हो सकता है. ओके, और इसको हम मनाते क्यों हैं इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे को? बिकॉज द पीपल्स हु फेसेस वेरी वेरी विक्टिम, जो बहुत ज़्यादा वायलेंस डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हो जाते हैं एल्बिनिज्म की वजह से, उनके लिए एक कैंपेन के लिए,
उनकी अवेयरनेस के लिए कि हाँ उनके साथ ये सब वॉयलेंस ना हो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे. इट इज ऑब्जर्व ऑन 14th June. कब होता है ये? 14th June को. ठीक है. अब ये होता क्यों है? ब्लड की डोनेशन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाने के लिए. कि उससे हम करेंगे क्या, उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि हाँ जो हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं रोज़ बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, वेदर इट इज़ रोड एक्सीडेंट्स, वेदर इट इज़ रेलवे एक्सीडेंट्स, बहुत खून बहता है. तो वहाँ पे उस ब्लड को डोनेट करने के लिए, उस ब्लड का यूज़ करने के लिए, हमारे बॉडी में ब्लड इतनी जल्दी से इतनी जल्दी से सर्कुलेट होता है, इतनी जल्दी से वो दोबारा से बन जाता है. विद इन थ्री मंथ्स वी कैन डोनेट अगेन एंड अगेन ब्लड. और इससे होता क्या है, इससे हमें भी फ़ायदा होता है और दूसरे को भी फ़ायदा होता है. सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि जो ब्लड देता है उसके पहले उसके साथ साथ टेस्ट हो जाते हैं. क्या टेस्ट हो जाते हैं? लाइक HIV. अगर हम कहीं और जाएंगे तो वो ज़्यादा पैसे लेंगे, और ये फ्री में तुम्हारे टेस्ट दे रहा है. तुम्हारी पूरी की पूरी ब्लड की CBC काउंट आ जाती है, पूरी काउंट आ जाती है कि हाँ उसमें कितना WBC है, कितने RBC है, कितनी उसके अंदर प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा सेल्स है, कितना है, वो सब कुछ जब तुम कोई भी ब्लड डोनेट करोगे वहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. एक तो तुम्हारा ये फ़ायदा हो गया. सेकेंडली, जो वो ब्लड है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स निकाल के जब वो स्टोर करते हैं तो वो डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं. सेकेंडली ये हो गया. एंड थर्ड इज, जो तुम्हारा ब्लड है जब तुम देते रहोगे, डोनेट करते रहोगे, तो वो नया फ्रेश प्रिपेयर्ड होता रहेगा. और उसके अंदर जब वो फ्रेश कोई भी चीज़ होती है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर अवेयरनेस, उसके अंदर ऑक्सीजन होती है. ठीक है. उसके अंदर ऑक्सीजन की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है और तुम्हें खुद ही को लगेगा क्या हो गया, तुम खुद फ्रेश हो जाओगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, ग्लोबल विंड डे. अब ग्लोबल विंड डे क्यों बनाया जाता है? सबसे पहली बात तो इसको प्रमोट करने के लिए विंड एनर्जी को. विंड एनर्जी बड़े बड़े हमने कम कहाँ पे देखी है, जो विंड मील्स होते हैं हमारे इंडिया में थोड़ा कम है, बट हाँ अगर हम फॉरेन कंट्रीज जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको विंड एनर्जी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइट किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है. धीरे धीरे हमारे यहाँ भी बढ़ रहा है. सोलर एनर्जी का तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, बट विंड एनर्जी का कम है. होता क्या है, ये विंड एनर्जी सबसे पहली बात तो नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी है, एंड सेकेंडली इट इज़ वेरी चीप. इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एक बार सेटअप करना होता है, उसके बाद उसका मेंटेनेंस ही होता है, और मेंटेनेंस बहुत कम होता है. जो ये विंड बड़े बड़े विंड टर्बाइंस होते हैं इनका मेंटेनेंस बहुत कम होता है. और सबसे बड़ी बात, ये हमारी इकोनॉमी को, ये हमारे जॉब्स को, ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे. ये डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? 15th June को. और क्यों रिकॉग्नाइज किया गया इस डे को? बिकॉज एल्डर्स के साथ, बड़ों के साथ बहुत ज़्यादा अब्यूजेज हो रहे थे, बहुत ज़्यादा वायलेंस की घटनाएं सामने आ रही थी. इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने इसको रिकॉग्नाइज किया एज वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे. अभी भी ये जो कोरोना के लिए लॉकडाउन पीरियड था, इसमें भी कुछ पेरेंट्स को अपने घर से बाहर निकलना पड़ा, कुछ पेरेंट्स को खाना नहीं मिला, कुछ पेरेंट्स ने बात के लिए हेल्थ इश्यूज हुए. दीज ऑल आर ग्लोबल इश्यूज. ये पूरे ऑल ओवर ग्लोब में है कि हाँ हर किसी बड़े के साथ बहुत ज़्यादा अब्यूज़ होता है. कुछ बड़े ऐसे हैं कि उनके साथ बहुत ज़्यादा अब्यूज़ होता है. सो टू प्रिवेंट दिस टाइप ऑफ अब्यूज़ विद आवर एल्डर्स, यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज दिस वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे ऑन 15th June एवरी ईयर. ओके. नाउ अब मैं आप सबसे ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़. इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, जिससे मैं इस सीरीज़ को और डीप नॉलेज के साथ कंटिन्यू कर पाऊँगी. एंड प्लीज़ कमेंट इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स. आई विल क्लियर देम
in my next videos. Till then, take care and bye.